हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिसर स्टडी पॉइंट। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम यानी कि मेन्स एग्ज़ाम 30 जून को हुआ है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ को लेकर परेशान हैं और इंटरव्यू कट ऑफ क्या होगा इसके बारे में भी सोचते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरव्यू कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या जाने वाला है और फाइनल कट ऑफ क्या होगी और फाइनल कट ऑफ क्यों लो होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स में तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इंटरव्यू कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आप जानते ही हैं इंटरव्यू आपका होगा 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स में जनरल का सेफ स्कोर रहेगा 10, ओबीसी बी का सेफ स्कोर रहेगा 8, ओबीसी ए का सेफ स्कोर रहेगा 7 और एससी के लिए 6, एसटी के लिए 5। और जिसका भी मेंस में कम आ रहा है वो दोस्तों इंटरव्यू के लिए बढ़िया तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप ज़्यादा पा सके तो ही आप फाइनल में अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों, ये कट ऑफ है आउट ऑफ 15 यानी कि इंटरव्यू कट ऑफ है। जनरल के लिए 10, ओबीसी बी के लिए 8, ओबीसी ए के लिए 7, एससी के लिए 6 एंड एसटी के लिए 5। तो अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आउट ऑफ 100 यानी कि मेंस एग्ज़ाम 85 और इंटरव्यू 15 मार्क्स लेकर 100 मार्क्स में आपको कितना स्कोर करना होगा। जनरल के लिए 46 के आसपास रहेगी तो सेफ स्कोर होगा, ओबीसी बी के लिए 44 के आसपास, ओबीसी ए के लिए 41, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 32। और यहां पर मैं एनवीएफ होमगार्ड्स और जो सिविक वॉलंटियर्स हैं उसका कट ऑफ नहीं बोला है, क्योंकि एनवीएफ और होमगार्ड्स के लिए 15% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और जो भी सिविक वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। पर उन सब कैंडिडेट को 3 इयर्स सर्विस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही वो लोग रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।